सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट शो पर फैंस। वीवो आईपीएल 2021 दोबारा रीस्टार्ट होने जा रहा है यूएई में। सितंबर अक्टूबर के विंडो में खेला जाएगा यूनाइटेड अरब इमारात में। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ऑफिशियल तौर पर कंफर्म कर दिया है जो कि अब आईपीएल 2021 लगभग 4-4.5 महीने के बाद दोबारा रीस्टार्ट होगा यूएई में। जहां आपको बता दें कि इससे पहले आईपीएल 2021 को बीच में ही रोककर पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब सभी आईपीएल के प्रेमी और खासतौर पर आईपीएल के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आईपीएल 2021 अब दोबारा खेला जाएगा, सितंबर के महीने में शुरू हो जाएगा यूएई में। लेकिन अब लंबे समय के बाद आईपीएल स्टार्ट होगा तो यहां पर कई सारी चीजें बदल जाएंगी। आईपीएल 2021 यूएई में होगा तो 3-4 टीमों के कप्तान पूरी तरह से बदल जाएंगे, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3-4 टीमों के नए कप्तान के बारे में कि वो कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे जो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, और सभी टीमों के कप्तान आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारा सेकंड चैनल क्रिकेट रफी आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जबकि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कर ले, क्योंकि यहां पर भी बैक टू बैक क्रिकेट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। सभी पेजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 14 संस्करण यानी कि वीवो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज सितंबर अक्टूबर के विंडो में खेला जाएगा, जो कि लगभग 4-4.5 महीने के बाद आईपीएल 2021 दोबारा रीस्टार्ट होगा यूएई में। तो बात करते हैं सभी टीमों के कप्तान और उन टीमों के कप्तान के बारे में भी जिनके कप्तान बदलने वाले हैं। तो पहले टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2021 के स्टार्टिंग में ही अपने नए कप्तान को नियुक्त किया था। ऋषभ पंत जहां पहले उप कप्तान थे उन्हें कप्तान घोषित कर दिया था, क्योंकि इनके मेन कप्तान श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल से बाहर हो गए थे। लेकिन अब आईपीएल 2021 जब दोबारा रीस्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर के विंडो में, तो उससे पहले श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, और जब श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे तो फिर आईपीएल 2021 में खेलते हुए दिखाई देंगे और साथ ही कप्तानी भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। अब अगर हम बात करें दूसरी टीम के बारे में, तो दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है जॉन मॉर्गन, और केकेआर का प्रदर्शन अब तक आईपीएल 2021 में काफी खराब रहा था। लेकिन अब केकेआर के लिए एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके मेन कप्तान जॉन मॉर्गन आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मुकाबले मिस करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर बयान जारी कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का काफी बिजी शेड्यूल है। वो सभी खिलाड़ी अपने देश की तरफ से अपनी कंट्री की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल सीरीज। जहां आईपीएल 2021 सितंबर और अक्टूबर के महीने में खेला जाएगा, तो सितंबर के महीने में इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, तो इसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान के खिलाफ भी टी20 सीरीज खेलेगी इंग्लैंड की टीम, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाड़ी मिस कर सकते हैं। और जॉन मॉर्गन इंग्लैंड टीम के कप्तान है, तो फिर ये डेफिनेटली कंफर्म है कि जॉन मॉर्गन आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में जॉन मॉर्गन की गैर मौजूदगी में केकेआर की टीम किन्हें कप्तान बनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां दिनेश कार्तिक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इससे पहले दिनेश कार्तिक केकेआर की तरफ से कप्तानी कर रहे थे और शानदार कप्तानी कर रहे थे, तो दिनेश कार्तिक को दोबारा केकेआर का कप्तान बनाया जा सकता है बाकी बचे हुए 31 मुकाबलों के लिए जब आईपीएल 2021 यूएई में खेला जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन दो और हैं, एक हैं पैट कमिंस, दूसरे हैं युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। अब अगर हम बात करें तीसरी टीम के बारे में, तो गाइस तीसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद का भी प्रदर्शन अब तक आईपीएल 2021 में काफी खराब रहा था। जहां आईपीएल 2021 के कुछ मुकाबलों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने कप्तान डेविड वार्नर को कप्तानी से हटाकर नया कप्तान घोषित किया था, केन विलियमसन को हैदराबाद का नया कप्तान बनाया था। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि आईपीएल 2021 जब दोबारा रीस्टार्ट होने वाला है सितंबर अक्टूबर के विंडो में यूएई में, तो उस दौरान न्यूजीलैंड की टीम भी कई सारी इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी, जहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है तीनों ही फॉर्मेट में। तो न्यूजीलैंड की टीम उस समय बांग्लादेश के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी सितंबर के ही महीने में, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम अक्टूबर के महीने में। तो ऐसे में कप्तान केन विलियमसन मिस कर सकते हैं आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मुकाबले। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि जो खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं क्या उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा या फिर वो भी अपने देश की तरफ से खेलेंगे। तो अगर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपने देश के लिए खेलते हैं, तो फिर ये भी आईपीएल 2021 के
बाकी बचे हुए 21 मुकाबले मिस करेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में डेविड वार्नर कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में, या फिर इसके अलावा किसी और खिलाड़ी को सनराइजर्स हैदराबाद का नया कप्तान बनाया जा सकता है केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में। तो गाइस ये तीन टीमें जिनके कप्तान बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं बाकी बचे हुए आईपीएल 2021 में। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करने वाले हैं डेफिनेटली कंफर्म है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अभी हाल ही में अफवाह हो रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी अब सीएसके की तरफ से कप्तानी नहीं करेंगे और न ही अब कभी दोबारा आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, अभी आईपीएल से भी संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर यह अफवाह बिल्कुल अफवाह ही थी। महेंद्र सिंह धोनी साल 2021 का पूरा सीजन खेलेंगे ये 100% कंफर्म और कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा तो पंजाब की तरफ से केएल राहुल कप्तानी करेंगे, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन, आरसीबी की तरफ से कप्तान विराट कोहली और मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा। तो गाइस ये आईपीएल 2021 के लिए सभी 8 टीमों के कप्तान। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।